मुझे डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे डॉग के जो कान हैं वो अच्छे से खड़े नहीं हो रहे। कभी कभार एक कान खड़ा हो जाता है थोड़े दिन के लिए तो वो डाउन हो जाता है, फिर दूसरा ईयर जो उसका कान होता है वो खड़ा हो जाता है। डॉबरमैन में और जो है जर्मन शेफर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि उनके कान अच्छे से खड़े नहीं होते। अगर आपके पास जैसे कि और डॉग ब्रीड है जैसे कि लेब्राडोर है, रॉटवालर है, गोल्डन रिट्रीवर है, तो इनके कान के नीचे होते और हेड से चिपके हुए होते हैं, तो एक साइन होता है अच्छे कान है यानी अच्छे डॉग ब्रीड का। बट जो जर्मन शेफर्ड में क्या होता है, कभी कभार एक कान अप चला जाता है, एक कान नीचे चला जाता है, वैसे डॉबरमैन में भी सेम यही प्रॉब्लम आती है। तो इसका इलाज क्या है यानी इसका ट्रीटमेंट यानी कैसे हम हमारे डॉग का या पपी के कान है ये रहे वो स्टैंड करवा सकते हैं यानी खड़े रख सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो डॉग है वो अच्छा बेहतरीन दिखे और वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आए। जिन लोगों ने भी बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो है जेनेटिक आता है। जैसे कि अगर आप कहीं से डॉग ब्रीड ले रहे हो तो ध्यान रखना कि उसके मदर फादर को आप ज़रूर से देखें कि उनके ईयर कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं। बहुत सारे लोग तो पपी ले लेते हैं बट उनके मदर को नहीं देखते, फादर को नहीं देखते, बस फोटो में देख लेते हैं। बट फोटो में डॉग ब्रीडर या डॉग सेलवर आपको कभी कभार क्या कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है किसी और डॉग का फोटो दिखा के। उससे अच्छा आप लाइव देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर उसको कुछ डिजीज या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आपको पता चलेगी। तो जेनेटिक में क्या होता है कि अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराए या फिर जर्मन शेफर्ड के और किसी ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराए तो ऐसे में आपको एक मिक्स पपी मिल सकता है, जिसके कारण आपके पपी के कान है वो अच्छी तरह से खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं हो सकते, तो वो एक रीज़न हो सकता है मेन। जो सेकंड रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि एक कान खड़ा हो जाना, एक कान बैठ जाना, कुछ दिनों के लिए दोनों कान खड़े हो जाते फिर वापस से बैठ जाते, तो ये क्यों होता है? तो आपका डॉग का जैसे 4 या 5 मंथ का या 6 मंथ का जो पीरियड होता है वो काफ़ी ग्रो करने का होता है। आपका डॉग की बॉडी अच्छे खासी ग्रो करती रहती है, लेग हो गया, टीथ हो गए, तो कभी कभार टीथ या उसके बॉडी लैंग्वेज के कारण आपके डॉग का जो है इम्यूनिटी शक्ति में कभी कभार बदलाव होता है, जिसके कारण आपके डॉग को लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उसके कारण उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसके कारण आपके डॉग के कान एक कभी कभार खड़ा हो जाता है, कभी कभार जो है डाउन चला जाता है। तो आपको इसके लिए आप वेट कर सकते हो 6 मंथ या 7 मंथ तक, तो 6 और 7 मंथ का ऐसा पीरियड हो जाता है जिसके कारण आपका डॉग के कान अच्छे खासे खड़े हो जाते हैं। अगर उसके पहले भी आपके डॉग के कान बिल्कुल भी नहीं खड़े हो रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको जो है टेपिंग वगैरह करवा सकते हैं। टेपिंग बहुत सारे लोग करवाते हैं, आपके जो नज़दीक के जो डॉक्टर है, वेट है, उसके पास जाके आप ऐसे टेपिंग करवा सकते हैं। तो वो टेपिंग में क्या होता है, टेप या एक लकड़ी लगा के वो लोग डॉक्टर टेपिंग करते हैं, जिसके कारण थोड़े दिन के बाद आपके डॉग के ईयर है वो जो है अच्छे से स्टैंड होने लगते हैं। बट ये जो है आप जो आपका ऐसा लग रहा है कि अभी स्टैंड ही नहीं हो रहे, खड़े ही नहीं हो रहे, उसके बाद आप ये जो है स्टेप ले सकते हैं। इससे पहले आप क्या काम कर सकते हैं, आपको आपके डॉग का जो है अच्छे से डाइट फॉलो करना है, अच्छे से रखना है, उसको न्यूट्रिशन और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डॉग की ये स्टेज में। 3 या 4 मंथ का आपका डॉग है तो उसको जितना हो सके उतना न्यूट्रिशन कैल्शियम सिरप आप दीजिएगा, बोन्स के लिए आती है उसको कैल्शियम आती है वो सब आप दे सकते हो, जिसके कारण कभी कभार क्या होता है न्यूट्रिशन कैल्शियम की कमी के कारण डॉग के ईयर जो है अच्छे से स्टैंड नहीं होते। तो आप ये सब करोगे तो धीरे धीरे जो है एकदम से तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाने के बाद आपके डॉग के धीरे धीरे कान जो है स्टैंड होने लगेंगे और आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी लगेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो मैं दे रहा हूँ तो भी हमारे डॉग का अच्छा खासा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, तो उसके पीछे एक जो रीज़न हो सकता है वो कॉमन रीज़न हो सकता है, वो है कि आपके डॉग की डिवॉर्मिंग। अगर आप डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करो तो जो भी आप न्यूट्रिशन खाने को दे रहे हो डॉग के बॉडी को लगेगा, डॉग का हेल्दी बनेगा, डॉग का कोट अच्छे से शाइन करेगा, डॉग की ग्रोथ अच्छे आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग ये छोटी सी चीज़ जो है 80-90 रुपये की गोली आती है जो कि आपके डॉग के वेट या वजन के हिसाब से आपको देनी होती है वो नहीं देते और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये डिवॉर्मिंग तो ज़रूर से टाइम टू टाइम कराए, जिसके कारण आपके डॉग की बॉडी और जो कान है अच्छे से ग्रोथ कर सके और आपका डॉग हेल्दी रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम बहुत सारा ट्राई कर चुके, तो आप अपने डॉक्टर की राय ज़रूर से लें उसमें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है डॉक्टर देख के उनको तुरंत पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो ये कुछ दिनों के अंदर वो जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके डॉग के जो कान अच्छे से स्टैंड होने लग जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना कि शुरुआत में कुछ ऐसे महीने होते हैं जैसे कि 7 महीने का 8 महीने या 12 महीने, आपके डॉग को जितना हो सके उतना केयर, मल्टीविटामिन, अच्छे से अच्छा फूड, अच्छे से अच्छा डाइट, जितना हो सके उसके ऊपर ध्यान और केयर ज़रूर से कीजिएगा। फिर चाहे आप थोड़े दिन के बाद वो बंद करें तो भी चलेगा, क्योंकि एडल्ट जो कंडीशन होती है उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता,
बट जो जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब कुछ। उसके अलावा आपका डॉग अगर एकदम बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तब भी उसको मल्टी विटामिन विटामिन कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप नॉनवेज वगैरह दे सकते हैं, फूड अच्छे से दे सकते हैं, खाने को टाइम टू टाइम दे सकते हैं, जिसके कारण ये सारा चीज़ जो है नहीं हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एग भी दे सकते हैं, तो एग के कारण भी कभी कभार जो डॉग के जो एयर है वो स्टैंड नहीं होते, तो एग के कारण भी अच्छे खासे स्टैंड होने लग जाते हैं। तो एग आपको 2 दिन में एक बार दे सकते हैं आप, या फिर सुबह शाम एक बार दे सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे नहीं देना, नहीं तो उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। रेगुलर बेसिस में नहीं, 2 दिन में एक बार दे सकते हैं आप, या 3 दिन में एक बार, या वीक में 3 या 2 बार दे सकते हैं। तो ऐसा आप दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा डॉग की पूँछ क्यों काटी जाती है, वो कट क्यों की जाती है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। और कभी भी एयर जो है अचानक से स्टैंड नहीं हो गया, आज आप दोगे और कल वो स्टैंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइम लग सकता है, 1 महीना 1.5 महीना 15 दिन 20 दिन। आप चाहे तो अपने डॉक्टर की राय लेके ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉग को जो अच्छा बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।